अच्छा ही डीप वाटर है, जाल बिल्कुल बेस तक जाता है। ओ नो, जाल फंस गया। जाल निकालने भाई जा रहे हैं आपका, दुआ कर। ये मौसम दिखाओ जरा करीब से, इसके हल्के हल्के जो डॉट्स हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और हमारी तवा फ्राई फिश रेडी हो रही है, जिसके स्पेशल मसाले में और आप सब प्यार करते हैं, लेकिन हम बताते किसी को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, मज़े में, तबीयत ठीक है, फिट है? ये जो आपको चश्मे नज़र आ रहे हैं ना, ये सूडान से इंपोर्टेड है, स्पेशल सूडान के चश्मे हैं। और ये इस पानी में जो है ना, मछली ढूंढ के देते हैं, फोकस करते हैं, फिर हम जाके जो है ना मछली मारते हैं। सीन इस तरह हुआ है कि काला पानी पहुँचा है हम लोग, ठीक है, और शिकार का सीन ऑन है, और आपको वेलकम करते हैं हम लोग दोबारा अर्थ टाइम पर। और जाल नया बनवाया है, दो दिन की ख्वारी करने के बाद हमने कहा है आपको कुछ दिखाएं। तो हम आपको अपना नया जाल भी दिखाएंगे, हम नया जाल कफर से बनवा के लाए हैं, और पानी की कंडीशन भी अच्छी है, तो आज वेदर भी अच्छा है। बाकी चक्कर ये है सीन के पानी की हालत आप देखें, क्रिस्टल क्लियर पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है पानी। अगर हम जाल मारेंगे तो पानी में मछली सामने नज़र आएगी, बिल्कुल सामने। और ये देखें पानी की डेप्थ, मज़ा आ जाता है देख के, क्या खूबसूरत डेप्थ है पानी की। और आज आपको मैं एक और चीज़ बताता फिर हूँ, मैंने उस्मान भाई को बोला था कि आज मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, लेकिन ये बात आपको मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन सा रिकॉर्ड बनाऊंगा। ये जी हमारे साथ उस्मान भाई, ठीक है, इन्होंने जो है बैग पहना हुआ है और साथ साथ हमारे चलेंगे। अच्छा, हम लोगों ने अभी दूसरा एक जाल बनवाया है, हमारे पास दो जाल थे, तो एक का वेट तकरीबन 6.5 kg से बड़ा था, 6.5 kg था, वो बड़ा जाल था। अब क्योंकि यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट हैं, ठीक है, तो बड़ा जाल इधर काम नहीं करता, नीचे पत्थर आ जाते हैं। फिर हम लोग इस तरह करते हैं कि छोटा जाल बनवाते हैं, 5.5 kg का वज़न और 5 फुट का उसकी तकरीबन लेंथ होती है, तो उससे आज हम शिकार करेंगे। बिल्कुल ब्रांड न्यू जाल है, अब थोड़ा सा हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्पॉट पर पहुँच के आपसे मिलते हैं। इंशाल्लाह आपको शिकार का मज़ा आएगा, और इस बार हमारा प्लान है कि मैं और हमजा दोनों साथ में होंगे और मिल के शिकार करेंगे। ये आपको मैं जाल दिखा देता हूँ, आपको अपना न्यू जाल दिखाते हैं। ये नया जाल बनवाया है, ये देख लें आप, खाम मोहसिन इसको ज़रा नीचे से, ये देख लें आप इसकी गुथियाँ भी देख लें, बहुत मज़े का जाल बनाया है इसने, ठीक है, देख के मज़ा आता है। 5.5 kg का वेट लगा हुआ है, बाकी 6 नंबर की जाली है, और इसकी लेंथ आपको मैंने बता दी है 5 फुट का है। बाकी सुराख बताओ इसके, तकरीबन 1/2 इंच के हैं, ठीक है, तो परफेक्ट साइज़ है, परफेक्ट जगह के लिए। ये आप देख लें छोटी छोटी जगह हैं, इसलिए यहीं पे यही जाल चलता है। मोहसिन जाल मारना शुरू करेगा अभी। ए परफेक्ट, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आधे से ज्यादा डूबते।
पीली पीली सी है, थोड़ी सी रेड शाइन आती है इसकी। अभी तक हमने जो है ना 3-1 मछलियाँ पकड़ ली हैं और पानी बड़ा खूबसूरत है, जाल भी अच्छा काम कर रहा है, गुत्थी भी ज़बरदस्त है और तकरीबन अभी कोई 5-10 जाल हम लोगों ने मारे हैं, मछली का शिकार शुरू हो गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह दिन अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ की मछली बड़ी खूबसूरत है, इसका रंग भी बहुत प्यारा है। जितनी भी हम दूसरी हरनोई से पकड़ते हैं वो डिफरेंट किस्म की है थोड़ी सी। इस पे ना छोटे छोटे हल्के हल्के डॉट्स हैं, जिस तरह ट्राउट पे बड़े होते हैं इस पे हल्के छोटे छोटे हैं। और ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें, ये जो रेड सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा पत्थरों का, उनको जो है ना इस मछली में हल्का सा रेड कलर भी आता है इन पत्थरों की वजह से। तो अभी कोई पकड़ी बड़ी तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे, किस रेड कलर की मैं बात कर रहा हूँ। वो दो या एक, दो है, दो है, दो है, दो है मोटे, दो है, एक पीछे भी है, ज़्यादा भी ऐसे। ये मोशन दिखाओ ज़रा करीब से, इस पे हल्के हल्के जो डॉट्स हैं ये आपको हल्के हल्के छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। इसमें हल्की सी रेड शाइन भी है। ये ज़बरदस्त, आए आए दो दाड़ी थी। ये बल सेट करा था उस्मान भाई, बच्चा है खैर। दो नहीं, दो माशाल्लाह।
जबरदस्त, दाना भी अच्छा है, जबरदस्त। ये जी जबरदस्त किस्म का दाना पकड़ा है उन्होंने। ये छोटा बच्चा है, ये ऊपर से देखे कितना प्यारा है, इसको वापस रिलीज करना है। क्या फेंका है यार, राम राम तक। ओके ओके। अरे पानी डूंगा ही पूरे, बहुत ज्यादा गहरा पानी है और सामने मछली नीचे घूमती हुई नजर आ रही है। वो आए थे माशाल्लाह, मतलब मैं यहाँ पे दूसरी दफा आ रहा हूँ और मेरे साथ दूसरी दफा ऐसा हो रहा है कि इतनी मछली मिल रही है, इतनी मछली नीचे सामने भागती हुई नज़र आ रही है, जाल में कमी आ रही है। ठीक है, मसला ये पत्थर बहुत ज़्यादा है लेकिन इतनी मछली है यहाँ पे, हम इसको मछली की वादी कहते हैं। मैं एक दफ़ा पहले भी मौसम के साथ यहाँ पे आया हूँ और गहरी गहरी जगह हैं, बहुत गहरी जगह हैं, 8-10 फुट गहरे पानी है यहाँ पे और उसमें फिर जाल जब तक बैठता है तो मछली नीचे निकल जाती है। सारा मसला ये है, वरना अभी तक हमने बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी होती। जितनी मछली हमारे पाँव में से भाग रही है सामने ना, बंदा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली है और पकड़ना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। एक गाना ये चीज़ पवन में तो यहाँ पे आपने भूल के भी नहीं आना। ठीक है, अब दोबारा वो गहरा पानी है थोड़ा सा, उसको क्रॉस करते हैं। सर्दी भी लग रही है क्योंकि यहाँ की बनिस्बत जो जितने भी पानी है उन सब में ये पानी सबसे ठंडा है और फिर है भी ये चेस्ट चेस्ट तक पानी है अभी। चेक करें जी, सीन ऑन है। ये मुश्किलें तय करनी पड़ती हैं हमें मछली पकड़ने आते हैं तो। ये जो हम जिस जगह आए हैं ना,
एक तो मेरी दिल की धड़कन तेज हुई हुई है, बड़े गंदे रास्ते से हम आए हैं, वो आपको नजर आ रहा होगा, बहुत गंदा रास्ता है, बहुत ही गंदा रास्ता था। यहाँ तक मुझे नहीं लगता पहले कोई आया है, क्योंकि बहुत ही अजीब जगह है, बहुत अजीब जगह है। ये देखें आप, बिल्कुल बंद है, और पानी शानी आया तो यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत ज़्यादा अजीब जगह है, डरावनी और बिल्कुल अच्छा, 5-5, 6-6, 7-7 फुट गहरा पानी है इधर, काला पानी वाले रास्ते में, बंदा हैरान हो जाता है। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी कम है, हालांकि पानी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। सामने नीचे डेप्थ समझ ही नहीं आ रही, ये जाल को आप देखें समझ भी नहीं आ रही, सही डीप वाटर है, जाल बिल्कुल बेस तक जाता है। ये देखें, जी ये हालात है हमारे, मौसम को लेके जाल लेके कहाँ पहुँचा है, सीन बड़ा आन हुआ है, लेकिन पानी बहुत गहरा है, और मौसम क्या मारेगा जाल आगे, नहीं मुश्किल है ना, इधर से ही करता हूँ। ये चेक करें जी, नहाने के लिए बड़ा अच्छा स्पॉट है, लेकिन खतरा ये है कि पीछे से पानी आया तो गए, और काफ़ी गहरा है, मतलब आप ये देखें ना नीचे, ओहो बहुत गहरा पानी है। ये मोहसिन जाल मार रहा है इधर, मारा तो अच्छा है मोहसिन, इससे आगे जगह नहीं है वैसे, ये देख लें आप, ओ ओ ओ नो, जाल फंस गया, गहरे पानी में जाल फंस गया, खींचना नहीं मोहसिन, मैं पकड़, मैं लेके आता हूँ, जाल निकालने भाई जा रहे हैं आपका, दुआ करना मेरे को, अच्छा आगे इतना गहरा नहीं है, आगे बिल्कुल गहरा नहीं, बिल्कुल नहीं आगे है भाई, बेटे कैसे इधर पहुंचे हैं, हालात खराब हुए हैं, ये देखे कैसे कैसे पानी से हम क्रॉस करके आ रहे हैं आगे, ठीक है ये देखें जी, ये आगे पानी को देखें, ये हालात है काला पानी से आगे, मतलब अनकरीब ये एंड ही है, मोहसिन साहब जाल मार रहे हैं, ये देखो फायदा, अरे फायदा नहीं है, फायदा नहीं है ना, आप सोचिए इन जगहों पे कितनी मछली होगी, कमाल की जगह है, और मोहसिन साहब मछली को अंदर, ओह और जोर से खींचो साहबा, ये देखे जी इसने जेब भी फाड़ दी है मेरे जेब की, ये लात हुए हमें। अच्छा जी बस हो गई है हमारी, मेरी हालत से पता चल रहा होगा आपको, ये तकरीबन 3-4 घंटे जाल मार मार के कमर दुख गई है, और जगह भी आपने देखी है, नई नई जगह हम लोगों ने सारी एक्सप्लोर की है, आगे तक कोने तक आपको लेके गए हैं, काला पानी का जो रास्ता है इधर से मैक्सिमम यहाँ तक जाया जा सकता था, और इसके अलावा अगर कोई तैराक वैराक हो और वो फिर आगे कहीं कवर करे तो फिर अलहदा बात है, हमें तो स्विमिंग प्रॉपर नहीं आती, इसलिए हमारे लिए ये रास्ता यहीं तक था, इससे आगे 10-10, 15-15 फुट के गहरे, हम उसको कहते हैं छम, जो बहुत गहरी जगह हो, ठीक है वो जगह हैं सारे, वहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, और ऊपर से पानी गिर रहा है फिर वो भी मुश्किल हो जाता है, तो सीन ये है कि अभी वापसी है, अभी ये है कि इस मछली को जाके हम लोग देखते हैं कि ग्रिल करेंगे या बनाएंगे, बना के मौसम देगा हमें, घर जाके पहुँचते हैं और मछली बनाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ की मछली का टेस्ट कैसा है, क्योंकि जितने पानी की तासीर चेंज होती है उतनी मछली का टेस्ट भी चेंज होता है, गर्म पानी की मछली अलहदा होती है, यहाँ के पानी की मछली अलहदा होती है, ये ज़्यादा ठंडा पानी है इसकी मछली ज़्यादा टेस्टी होती है और मज़े की होती है, तो पहुँच के बताऊँगा अगर मुझे कोई चेंज नज़र आया टेस्ट में, तो घर पहुँचते हैं अभी और
अंधेरे डलने से पहले पहले, ठीक है? तो आपसे मुलाकात होती है घर जाके। ये जी आप देख सकते हैं मोहसिन मछली पकड़ने के बाद आज जो है ना मछली फ्राई, तवा मछली, इसका नाम है तवा फ्राई। क्या ही मज़े का लुक आ रहा है इसका, और ये लकड़ी इसने जलाई भी है। ये जी आप साहब बैठे हुए हैं, आप साहब काम कर करके बहुत थक गए हैं। ये जी उस्मान भाई हैं, और ये छत पे मछली बन रही है, शिकार के बाद का सीन है। इसको कहते हैं तवा फ्राई फिश।